घूमने चले। अबे ओ नवाब, बनाऊं तुझे मंत्री, चल घर के अंदर। पता नहीं तुझे क्या हो रखा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले जाते। ओ भाई, ये तो मेरी फोटो दिखते। अरे तो आ गए आप, रहा तो जाता नहीं आपसे, रहोगे कैसे। ये व्लॉग है एबी व्लॉग। दोस्तों आप सभी को पता है कोरोना वायरस के चलते हुए पूरे देश में लॉकडाउन है। सरकार क्या क्या के थक गई, क्या क्या थक गई, घर के अंदर रही के? नहीं, लोग मान नहीं, बाहर घूम कोरोना। अबे हो हाल, पुलिस कर देगी तेरी लाल, बिगड़ेगी तेरी चाल और जिंदगी भर रहेगा तुझे मलाल। हाल कब से यहाँ पै पै कर रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एवी ब्लॉग में। दोस्तों इस समय गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया हुआ और सभी अपने क्वारंटाइन टाइम को अलग अलग तरीके से स्पेंड कर रहे हैं। कई लोग वर्कआउट कर रहे हैं, कई लोग योगा कर रहे हैं, कई लोग मूवीज देख रहे हैं और कई लोग तो सो ही रहे हैं। हमने भी इस टाइम को स्पेंड करने की थोड़ी सी कोशिश की है और आपके लिए कुछ पुलिस गई। ये लो एक और आ गया। दोस्तों आप वीडियो देखो, तब तक मैं देखता हूँ। हाँ भाई इधर आ, बनाऊं तुझे मंत्री। हेलो पुलिस स्टेशन जी, बोलिए। सर मेरी 4 साल की बहन किडनैप हो गई। मैम किडनैपिंग के सारे केस अब ऊपर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ऊपर कहाँ? घर मिला? ढूंढे तो बहुत पड़े यार, मुझे कोई सूट नहीं करा। घर तो घर ही होता है यार, मैं तो यहीं ठीक हूँ। हेलो, क्या हुआ? चौथी बच्ची भी उठ गई। कहाँ से? अब वो तो उसके घर वाले ही बताएंगे। हेलो, तो आखिरकार तूने गलती करी थी CID को बताकर। लगता है तुझे तेरी बहन प्यारी नहीं है। आखिर तुम चाहते क्या हो? इसकी तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी। प्लीज मेरी बहन को कुछ मत करना, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। तेरी बहन की जान की कीमत 1 करोड़ और CID को बताने का 1 करोड़। पैसे कहाँ और कब पहुँचाने हैं, इसके लिए अगले फोन का इंतजार कर। इंस्पेक्टर विवेक, हम लोग आपके छोटी बहन के किडनैप के सिलसिले में बात करने आए हैं। आइए सर। तो बताइए मैडम, आखिर पूरी बात क्या है? सर मैं शॉपिंग के लिए बाहर गई थी, मेरी छोटी बहन स्कूल में थी। फिर जब मैं घर वापस आई तो मेरे पास एक कॉल आया कि मेरी छोटी बहन उनके कब्जे में है। उन्होंने मेरे से 2 करोड़ की फिरौती की मांग की है सर।
प्लीज आप मेरी छोटी बहन को ढूंढ लाइए सर। देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी पूरी जान लगा के आपकी बहन को ढूंढ निकालेंगे। चारों बच्चों के बारे में कुछ पता चला गया? अभी तक तो कुछ पता नहीं लगा है, पर हम एक काम कर सकते हैं, अपने जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं, देखते हैं कुछ पता लग जाए। सही कह रहे हैं, और हमें भी अपना नेटवर्क भी अब एक्टिव कर देना चाहिए। विवेक अपना नेटवर्क एक्टिव करो और पुराने रिकॉर्ड जितने भी हैं वो सारे चेक करो, हो सकता है कोई अपना पुराना ही दोस्त हो। ऑन इट सर। दादा वो लड़की होशियारी कर गई, उसने खबर सीआईडी को कर दिया। दादा केस तो पुलिस से सीआईडी तक पहुंच गया। अब तक पुलिस ने अपना बाल ना पाड़ पाया, यो सीआईडी के कर लेगी। सबकी कोई कीमत होती है, खरीदो इन्हें, तोड़ो इन्हें अंदर से। देखिए मैं आपकी चिंता समझता हूँ, लेकिन सीआईडी अपनी पूरी ताकत लगा के काम कर रही है। क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी मतभेद है? नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है। ध्यान से सोच के बताइए, कोई तो होगा। नहीं सर मुझे नहीं लगता। क्या आपकी बहन की फोटो मिल सकती है? ठीक है सर मैं आपको मेल कर दूंगा। जैसे ही आपकी छोटी बहन के बारे में पता लगेगा हम आपको। ठीक है सर। अभी तक तो इस केस पे कुछ मिल नहीं पा रहा है। कल नेटवर्क से खबर मिली है, कल मिलकर बात करते हैं। हेलो। ओ भाई क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? कौन बोल रहा है? तो शौकीन के नाम से जानते हैं, हमें पता है तुम क्या ढूंढ रहे हो। अगर इतना जानता है तो ये भी जान ले, अगर उस बच्ची के आँच भी आई ना तो दुनिया छोटी पड़ जाएगी भागने के लिए। अरे सर आप तो गुस्सा हो गए, आराम से बैठकर बात करते हैं ना। तो बता कहाँ मिलना है? कल ठीक शाम 6 बजे BK बिल्डिंग के टेरेस पर। अच्छी भी और खबर बुरी भी है सर। पहले अच्छी खबर बता। ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, ये पूरी गैंग का काम है, बालन गैंग। अच्छा बालन गैंग। और बुरी खबर क्या है? और बुरी खबर ये रही। देख तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? सर आप आंखों देखी बातों को छुटला नहीं सकते। चलो अब से निकल। सलाम साहब अगर ये बात किसी भी तरह से सच है तो हमें विवेक से बात करनी चाहिए। सही कहते हैं। अरे सर आप यहाँ? तुम्हें क्या लगा था विवेक हमें कभी पता नहीं चल पाएगा? सर आप किस बारे में बात कर रहे हो?